MRTC एयरपोर्ट इन दिल्ली। मैं वेट कर रहा हूँ प्लाजा प्रीमियम लॉन्च में। अभी अभी मैंने ऑर्डर करा है वेस्टर्न ब्रेकफास्ट और अभी बज रहे हैं 6 सुबह के, 6:15 इनफैक्ट। बोर्डिंग टाइम है 7:30, तो देखते हैं कैसे रहता है सफ़र। कोविड के बाद पहली बार ही जा रहे हैं कहीं पे, गोवा जा रहा हूँ मैं, देखते हैं। थोड़ा डर भी लग रहा था चेक इन करने में, बट अच्छा भी लग रहा है कि मतलब ट्रैवल करेंगे। सो देखते हैं क्या कैसे रहता है ये सफ़र और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है ये कोविड के दौरान। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ टर्मिनल 3 इज़ कि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। मेरा गेट नंबर है 48 और बस चली जा रहा हूँ। अभी बहुत दूर लग रहा है, बट DC एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है, तो अच्छा भी लगता है इधर आके। ये जा रहा हूँ मैं अब अपने प्लेन की तरफ। ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। अब मैं हैदराबाद पहुँच चुका हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ अमृता का। सो इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। टैक्सी बुलाई है और 50 रुपीज टोल लगा इधर। काफ़ी ज़्यादा आराम करने के बाद अब हम जा रहे हैं बेनोलिम बीच, जो फिशिंग बीच भी कहा जाता है और काफ़ी क्लीन भी माना जाता है क्योंकि टूरिस्ट उधर ज़्यादा आते नहीं हैं। तो अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, हमारे इधर से सिर्फ 800 मीटर दूर है। सो दिस इज़ अवर रिजॉर्ट, ला ग्रेस रिजॉर्ट, यहाँ पे हम रुके हैं। कोई नहीं, मास्क लिया ही नहीं है। अरे यार चल, और क्या, मास्क लेना जरूरी है। यहाँ पे मास्क भूल गई है, मास्क लेना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जा रहे हैं बीच की तरफ। अच्छा लगता है ऐसे शांत इलाका थोड़ा और थोड़ा सेक्लूडेड हो। अभी हम साउथ गोवा की गलियों में चल रहे हैं। बस सारी यहाँ पे फिश मिल रही है। तो हमें फिश ये तो कहाँ पे मिलेगी? वहीं पे शॉप्स बंद हो गई थी, पूछना पड़ेगा।
भैया ये मछली मिलती कहाँ पे वैसे? खरीदने के लिए मार्केट का है। काफी टाइम फिश ढूंढने के बाद हम असफल रहे फिश ढूंढने में, क्योंकि फिश मार्केट सारी क्लोज हो चुकी थी तब तक। और हम मैं छोले लाया था दिल्ली से बना के, और चावल हमने इधर बनाए आके। तो अब हम मिलते हैं दूसरे दिन। ये हमारे लागरेस रिजॉर्ट से जो व्यू है काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही शांति है, बहुत ही ज्यादा शांति है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम अभी ब्रेकफास्ट करने निकलेंगे इधर से। बहुत ही शांति वाला माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि बालकनी है इधर, तो आराम से बैठ के थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। बाकी आज दूसरा दिन है तो देखते हैं कि अभी अभी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, नॉर्मल ब्रेकफास्ट था, चिकन नगेट्स, उपमा, ऑमलेट्स, नॉर्मल जो हर जगह होता है, पूड़ी, आलू। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ सी फूड वगैरह मिलेगा, बट वो सब कुछ भी नहीं था। तो अब वक्त हो चुका है कि थोड़ा एक्सप्लोर करें गोवा। मैंने इधर रिसेप्शन से पूछा कि अगर गाड़ी नहीं है फुल डे तो कितना चार्ज पड़ेगा, तो 3500 बोल रहे हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली है अगर देखा जाए। तो हम बाय स्कूटी ही एक्सप्लोर करेंगे। और कल सोच रहे हैं कि उधर बटरफ्लाई बीच के आसपास रूम लेके रहेंगे, ताकि उधर से स्कूटी लेके बाकी आमने सामने आप जो साथ वाली जगह होगी वो घूमेंगे। तो अब थोड़ी देर में हम निकले। अब हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी लेने के लिए। पूरे दिन जहाँ जिससे घूमेंगे हम, यहाँ से 10 मिनट वॉकिंग है और यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। मैं तो कहता हूँ साउथ गोवा आओ तो लागरेस रिजॉर्ट रुकना बनता है, बिल्कुल बनता है। आप एंजॉय करोगे एटमॉस्फेयर इधर। पूरा विलेज एरिया टाइप है ये, पूरा का पूरा विलेज एरिया टाइप। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, प्लेजेंट वेदर है। और कुत्ते बहुत है लेकिन। तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो चुका है। हम ये क्या कहते हैं, स्कूटी की जगह साइकिल लेके आए हैं, क्योंकि हमें साइकिल चलाने का मन था इसलिए। और अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम, गोवा चित्रा म्यूज़ियम है करके कुछ है, क्या है टोटल क्या नाम है? गोवा चित्रा म्यूज़ियम। तो उधर जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। इधर से 3 किलोमीटर है, साइकिलिंग करके जाएंगे। सो लेट्स गो। भैया ये गोवा चित्रा म्यूज़ियम किधर है? गोवा चित्रा म्यूज़ियम नहीं मालूम? इधर इधर सामने इधर नहीं है, इधर से और एक 2 किलोमीटर दो, हाँ वही 2 किलोमीटर दूर ना। इधर यहाँ पे मुझे मच्छी दिखी है, मच्छी मच्छी मार्केट देखते हैं। ये कितने बजे तक खुला रहेगा आपका? टिल व्हाट टाइम ओपन? एक्सक्यूज मी हाउ मच? ये कब तक खुले रहेगा? कब तक खुले रहेगा? अभी और 1 घंटा, 1 बजे तक बस, फिर बंद है। ये गोवा चित्रा म्यूज़ियम की डायरेक्शन इधर लिखी हुई है। रूट बड़ा प्यारा है ये। इधर तो भाई मैं ज़िंदगी भर साइकिल चला सकता हूँ। ये रही हमारी डेस्टिनेशन गोवा चित्रा म्यूज़ियम। ये रही, इधर नारियल का पेड़ भी है, ऊपर नारियल लटके हुए थोड़े। देख रिसेप्शन अंदर 3 म्यूजियम है देखने के लिए। ओके। और तीसरा म्यूजियम जो पुर्तगाली लोगों ने गोवा में इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में है।
तीनों को देखने के लिए मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर लगेगा, 300 रुपीस पर पर्सन है। 300 रुपीस पर पर्सन, ये पूरा प्राइवेट म्यूजियम है, एक आदमी का कलेक्शन, जो भी चीजें देखोगे अंदर एक आदमी ने इकट्ठा किया है। कॉम्प्लीमेंट्री गाइड मिलेगा आप लोगों को तीनों म्यूजियम्स एक्सप्लेन करने के लिए, और फोटो खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, फोटोग्राफी का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। वीडियो फोटो ले सकते हैं बिना फ्लैश के। तीनों म्यूजियम नहीं देखना है तो कौन सा भी एक म्यूजियम देख सकते हैं। एक म्यूजियम देखने के लिए 150 पर पर्सन है, और दो म्यूजियम देखने के लिए 250 का, दो म्यूजियम से कौन सा भी चूज कर सकते हैं। 300 रुपये टिकट है एक पर्सन की, अगर तीनों म्यूजियम देखने हैं मतलब 600 लगेगी दो लोगों के, और एक देखना तो डेट है नहीं। जा रहा हूँ, अमृता जा रही है गोवा चित्रा देखने के लिए। मुझे मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है म्यूजियम वगैरह अगर देखने में, अमृता को है और वो एक देखेगी ये कैसा है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, देख के आती है, फोटोज वोटोज खींचेगी, फिर देखते हैं कि आगे कहाँ जाना है। यहाँ पे फिश की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। सो आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड दिस गोवा चित्रा म्यूजियम। अमृता गई हुई है अभी अंदर देखने के लिए, आई गेस 20 मिनट तो हो ही गए हैं। उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़ा म्यूजियम है, काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस है इधर। कि मैंने पूछा कि इधर सब ट्रेडिशनल अगर गोवा खाना खाना है, क्योंकि अभी भूख बहुत लग रही है, टाइम हो गया तो साइकिलिंग भी करी है तो भूख लग रही है, लंच में अगर ट्रेडिशनल खाना खाना है तो इधर कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि इधर से 700 मीटर दूर होममेड मदर्स रेसिपी, तो मैंने सर्च करा, यहाँ से सिर्फ 700 मीटर दूर मतलब 4-5 मिनट लगेंगे साइकिलिंग में, शायद साइकिल में जाएंगे तो अभी खाना खाएंगे, पहले थोड़ा फिश वगैरह खाते हैं, उसके बाद बीच वगैरह जाएंगे, और उसके बाद जाएंगे हम जाएंगे फिश लेने के लिए जो हम घर में बनाएंगे, और कल हमारा यहाँ से चेकआउट होएगा, कहीं और पे मूव करेंगे।